रोजाना शहरी आबादी के बीच पहुंच रहे हैं विभिन्न प्रजातियों के सांप। सर्प रक्षक विजय यादव सांपों को रेस्क्यू कर लोगों के साथ सांपों की बचा रहे हैं जान। मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्प रक्षक विजय यादव अजमेर शहर में विभिन्न इलाकों में रोजाना निकल रहे विभिन्न प्रजातियों के सांपों को रेस्क्यू कर सांपों सहित लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पालरा इंडस्ट्रीज एरिया स्थित चिराग एंटरप्राइजेज डिपो में बने पानी के टैंक में एक सांप गिरने की सूचना वहीं कार्य करने वाली योगिता टंडन द्वारा सर्प रक्षक विजय यादव को दी गई, जिस पर सर्प रक्षक यादव अपने साथी प्रीतम सहित पालरा डिपो पहुंचे और पानी के टैंक में गिरे एक ग्लॉसी बैलेट रेसर सांप को रेस्क्यू किया जो कुछ दिनों से टैंक में गिरा हुआ प्रतीत हो रहा था। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मैं चिराग एंटरप्राइजेज पालरा इंडस्ट्री एरिया में काम करती हूँ, जो कि डिपो का काम है। यहाँ पे पानी का टैंकर था, उसके अंदर 2-3 दिन से एक छोटा सा सांप था। अब मैंने सोचा वो सांप भूखा प्यासा है, तो मैंने हमारे जो विजय यादव जी संरक्षक है उनको मैंने कॉल किया, वो आए, उन्होंने सांप निकाला और उसकी जान बचाई। मैं विजय यादव जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी एक कॉल पे आके सांप की रक्षा, सांप से रक्षा करी और सांप की भी रक्षा करी। इसी प्रकार रात्रि 9:30 बजे मदार स्थित स्वास्तिक नगर निवासी किशन लाल के घर के पोर्च में एक काला सांप घुस आया, जिसे रेस्क्यू करने के लिए सर्प रक्षक विजय यादव अपने साथी प्रीतम सहित किशन लाल के घर पहुंचे तो देखा कि एक 5 फीट से लंबा एक्सपेक्टिकल कोबरा सांप फन फैलाए बैठा था, जिसे सर्प रक्षक ने सुरक्षात्मक तरीके से रेस्क्यू कर लिया, जिसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने सर्प रक्षक यादव का धन्यवाद जताया। इसी प्रकार बाबा रामदेव मंदिर के पास कल्याणीपुरा में पानी खोलने के वाल के पास 7-8 फीट का एक सांप दिखाई दिया, जिसकी सूचना वहां मौजूद राकेश ने सर्प रक्षक को दी। सर्प रक्षक यादव ने कल्याणीपुरा पहुंचकर एक घोड़ा पछाड़ सांप को रेस्क्यू किया। सर्प रक्षक यादव ने सभी को सांपों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर सर्प भय से मुक्त किया। वहीं रोजाना की तरह पकड़े गए सभी सांपों को उनके सुरक्षित आवास जंगल में छोड़ दिया गया। ये कॉल आया था हमारे पास योगिता टंडन जी का पालरा इंडस्ट्री एरिया से कि एक पानी के टैंक में एक सांप गिर गया है, तो मैं वहाँ अपने साथी प्रीतम के साथ में पहुँचा तो देखा कि एक ग्लॉसी बैलेट रेसर सांप था जो कि पानी के टैंक में गिरा हुआ था, जो कि काफ़ी दिन ऐसा लग रहा था काफ़ी दिन से गिरा हुआ है, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि पानी के टैंक में पानी बहुत कम था। मैं नीचे उतरा और उसको सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। इसी प्रकार रात्रि में किशन लाल जी का मेरे पास कॉल आया था मदार से, विनायक कॉलोनी से, कि उनके घर में एक सांप आ गया है, तो वो स्पेक्टिकल कोबरा सांप था जिसे मैंने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। इसके पश्चात एक और कॉल आया मेरे पास रात्रि में ही कल्याणीपुरा से कि एक सांप है जो कि पानी का जो वॉल होता है, वॉल के जो चैम्बर बना हुआ था उसके अंदर वो बैठा हुआ था, जिसे मैंने रेस्क्यू किया तो वो एक रेट स्नेक था, घोड़ा पछाड़ सांप जो कि करीब 7-8 फुट का लंबा था। उसे लोग मारने की तैयारी में वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन एक राकेश नाम के व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था, वो उसको बचाना चाहता था, तो मैं वहाँ पहुँचा और उस सांप को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया और उसे बचा करके सभी सांपों को सुरक्षित आवास में छोड़ दिया।